अस्सलाम वालेकुम एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और आपकी हर परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। ईद तो ख़त्म हो गई है और ये जो बिरयानी आपको दिख रही है ये ईद में ही बनी थी, फ्राइडे को बनाई थी अम्मी ने, तो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। हमने घर में ही मटन बिरयानी बनाई थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी ये। आप बताएं कमेंट्स में आपको चिकन पसंद है या मटन बिरयानी। मैं तो चिकन खाती हूँ। और ये मेरा बाहर का प्लान बना था भाई के साथ, तो मैं सोच रही थी कहाँ जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर फाइनली प्लान बन गया कि दुबई चलते हैं, और दुबई जाने का प्लान तो कर लिया लेकिन ये भूल गया कि बाहर इतनी अच्छी गर्मी चल रही है दुबई में, जो कि सबको पता है कैसी है जो यहाँ पे रहते हैं। तो ये तो बस बहुत बुरा प्लान बन गया था, लेकिन हमने फिर भी कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करते हैं गर्मी। और ऊपर से सबसे अच्छी टाइमिंग पे हम निकले थे, दोपहर के टाइम जब बिल्कुल ही धूप सर पे होती है। सोचिए, मुझे इतना शौक हो रहा था बाहर जाने का लेकिन पता ही नहीं था कहाँ जाना है, और बस निकल पड़े कि बस गाड़ी में बैठना है और जाना है, वो भी इतनी गर्मी में। पता नहीं क्या अचानक से दिमाग में आया था कि बस बाहर जाना है। तो अब बस हमने प्लान किया कि चलो दुबई की तरफ जा ही रहे हैं, अब मंजर बीच साइड चलते हैं, और बहुत बड़ा ये सी साइड एरिया है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये हमारा फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, जूसेस हैं, कुछ अगर मीठा खाने का दिल करे तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, चाहे वो जितने बजे भी हो, लेट नाइट हो, कभी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। ये भी मंजर बीच में ही जगह आती है। तो फाइनली जो हमने ऑर्डर दिया था वो आ गया था, हमने स्लश ऑर्डर किए थे। अब हम वापस बीच साइड की तरफ जा रहे हैं, और आप देखें मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप बस चेक करें दुबई में विलास कितने अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यूएई में ये लगती है कि आपको हर मिनट के बाद या 2-3 मिनट के बाद मस्जिद मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है कि आपको मस्जिद ढूंढना है, उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह हर जगह ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद हैं, तो बहुत आसानी होती है नमाज़ पढ़ने में। और ये मेरा भाई कैमरे से भाग रहा है। और हम लोग रुक गए थे मंजर बीच पे, हमने गाड़ी पार्क की और हमने कहा चलो थोड़ा वॉक करते हैं। ये वॉक वे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप लोग पता नहीं रेड कारपेट पे चल रहे हो या बहुत ही फेमस हो। तो ये जगह बहुत अच्छी थी, और ऊपर से कोई भी नहीं था यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चलने में। तो बस अब शाम होने वाली है तो हम लोग घर वापस जाने वाले लगे हैं, क्योंकि फिर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा जो मैंने आपसे शेयर किया है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।